नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचकोसी यात्रा पूरी कर इतिहास रच दिया है। सूबे के सीएम योगी के पंचकोसी यात्रा में शामिल होते ही राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। खासकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय कांग्रेस की खोई हुई ताकत को मजबूत करने के लिए हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर पंचकोसी यात्रा के बहाने सियासत की जमीन तैयार करने की कोशिश किया है, किंतु योगी जी के पंचकोसी यात्रा के चलते कांग्रेसियों ने अपनी दरकती दीवार को बचाने के लिए उनकी यात्रा के विरोध किया तो उन्हें हवालात जाना पड़ा। भारी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी ने भले ही लोगों के कल्याण के लिए पंचकोसी यात्रा का संकल्प एक दिन में ही पूरा कर दिया, पर उनकी धर्म यात्रा पर सियासत शुरू हो चुकी है। पंचकोसी यात्रा पूर्ण करने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि लगभग 12:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच विशेष स्टीमर से मणिकर्णिका घाट पर उतरने के बाद सीधे जय विनायक मंदिर का दर्शन कर अपनी यात्रा का संकल्प पूरा। इसके पश्चात सीएम का काफिला रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचकोसी यात्रा का संकल्प दिलाने के बाद समापन का संकल्प छोड़ने के लिए लगभग 4 घंटे इंतजार करने वाले तीर्थ पुरोहित मनीष नंदन मिश्र को अंततः मायूस होना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी व्यस्तता के चलते संकल्प छोड़े बिना ही जय विनायक का दर्शन कर सर्किट हाउस चले गए। इस बारे में क्या कहना है तीर्थ पुरोहित श्री मिश्र का, देखिए क्लाउन टाइम्स की सीधी बात में। हमारे साथ है मनीष नंदन मिश्र, मणिकर्णिका तीर्थ के प्रधान पुरोहित। ये घंटों इंतजार किए इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उनकी यात्रा समाप्त होने के बाद संकल्प छोड़ने का एक मंत्र उन्हें पढ़ाएंगे। योगी जी बिना इनका मंत्र पढ़े वापस चले गए, क्या कहना चाहते हैं गुरु जी, बताएं आप। भाई ऐसा है कि यात्रा संकल्प प्रारंभ का हमने कराया और उन्होंने आके मणिकर्णिका पर जो है संकल्प छोड़ा है। मणिकर्णिका पे आके सीधे वो घाट से चले गए, जो विनायक पर जो संकल्प छोड़ेंगे। धर्म का जो विश्लेषण है जी, ये योगी जी करेंगे, काशी के पुरोहित करेंगे, ये हमें स्पष्ट करें। भाई काशी के पुरोहित करेंगे, भाई हमारे क्या कहा गया कि मणिकर्णिका शुरू होकर मणिकर्णिका पर समाप्त, लेकिन कुछ लोग जो है व्यास पीठ पर जो है संकल्प छोड़ते हैं, कुछ जो विनायक पर छोड़ देते हैं, लेकिन नियमतः संकल्प जो है मणिकर्णिका पर ही होना चाहिए। आप लगभग कितने घंटे मणिकर्णिका घाट इंतजार किए योगी जी का? लगभग भाई 4-5 घंटे मैं उनका इंतजार किया। तो ये तो पद यात्रा है? हाँ, पद यात्रा ही है। लेकिन पूर्ण मंगल होगा, मंत्रार्था सफला संत पूर्णा संत मनोरथा, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तो मित्राणाम मुदस्वा किंचित मनोरथ सिद्धरस्तो। उनका किंचित मात्र मनोत्र हो, और जो यात्रा थी मुझे ये पता था, योगी जी ने मुझसे कहा था ये लोक कल्याण के लिए है, ये यात्रा किसी लाभ के लिए नहीं थी, ये सिर्फ लोक कल्याण की यात्रा थी, और निश्चित है इससे जो है देश का और लोक कल्याण की भावना को मोदी जी योगी जी जो है साथ लेके चले हैं, अवश्य इसमें जो उनको फलीभूत होगी। योगी जी के लिए संकल्प लेना जरूरी नहीं है, योगी जी भारत के परंपरागत सन्यासी अगर हैं तो उन्होंने आत्मश्राद्ध करके गिरवा धारण किया है, और ऐसे सन्यासी के लिए संकल्प का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे साधक के लिए ऐसा संकल्प लेना जरूरी नहीं है, कर्मकांड के कथित नियम उन पर लागू नहीं होते। पंचकोसी यात्रा नहीं बल्कि पंचकोसी यात्रा ऐसे साधकों को, इसलिए किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। योगी जी अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय सीमाओं से ऊपर आनंदमय स्थिति में पहुंचे हुए संत हैं। स्वयं शैव पंथ के महामंडलेश्वर वर्तमान में नाथ संप्रदाय के शीर्ष पुरुष योगी जी न केवल धार्मिक बल्कि धर्म स्वरूप हैं। पंचकोसी यात्रा के समापन के दौरान उनके साथ रहे सतुआ बाबा आश्रम के प्रमुख संतोष दास ने यात्रा समापन के पश्चात मीडिया से की सीधी बात। सारे तालाबों कुंडों में प्रणाम करके जलाचमन किया, और जहां व्यवस्थाएं नहीं थी उन पर ध्यान दिया, और पूरे रास्ते में जो जो कमियां थी उन पर ध्यान दिया, और गंगा माँ का प्रणाम करके जहाँ जो विनायक पर जो विसर्जन करके यात्रा को समाप्त किया। खास संकल्प लिया मंत्री जी ने? संकल्प उनका देश और विकास और उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में सुख समृद्धि हो और जनता खुश रहे कि पहली बार मुख्यमंत्री कोई काशी की पंचकोसी कर रहा है, और बनारस नहीं पूरे भारत को इस पर गर्व होना चाहिए। कमियाँ हमेशा समाज में रहती हैं, मुख्यमंत्री ने निश्चित यात्रा की है तो उनकी दृष्टि समाज के प्रति है, तो जो कमियाँ हैं उनने अपने मन में रखी हैं, और निर्देश हैं वो आपको कल प्रेस वार्ता में। राजनीतिक मायने क्या निकाला जा सकता है? धर्म में राजनीतिक नहीं है, धर्म एक पूजा है,
व्यक्ति पद पाता है लेकिन धर्म के साथ उसकी आस्था जुड़ी होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी समाज का हो। लेकिन गुरुजी कहा जा रहा है कांग्रेस ने यात्रा की थी इसलिए अब भाजपा को यात्रा, ऐसा है यात्रा ना कांग्रेस की है ना समाजवादी की, यात्रा है सनातन धर्म की है और जो सनातन धर्म होगा उसको सबको करना है। कौन गंगा का मुद्दा क्या पीछे हो गया छोड़ के पंचकोशी यात्रा का मुद्दा की अविरलता निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री ने पूरा विश्व चिंतित है उसके लिए ये किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी, कैंट के विधायक सौ, इन सभी से अलग योगी जी की पूरी यात्रा में उनके साथ रहे सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास का क्या कहना है। जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर के भारद्वाज आदि लोग शामिल रहे। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।